ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा। तो कल हमने राजयोग की विधि के बारे में जाना कि मेडिटेशन कैसे करना है, कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं, उसे कैसे विजुलाइज करना है, और कुछ वीडियोस भी देखे हमने। तो इम्पोर्टेंटली कि उसका अनुभव कैसे करना है और मुझे अपने विचारों को कैसे परिवर्तन करना है। तो राजयोग सिखाता है कि मुझे क्या सोचना है। मेडिटेशन मतलब टू हील। तो राजयोग मेडिटेशन है मन की बीमारी के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो खुद को आत्मा समझकर मुझे अपने पिता को वो जो है उस रूप में याद करना है। ये है राजयोग मेडिटेशन। और उसकी विधि है कि पहले हमें संकल्प करना है, उसे देखने की कोशिश करनी है, फिर उसे एक्सपीरियंस करना है, और फाइनली उसके अनुभव में स्थित हो जाना है। तो मुझे स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण कौन से हैं, मेरा पिता कौन है, उसके गुण कौन से हैं, और फिर अपने पिता के साथ बैठ जाना है और उससे बातें करनी है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में देखेंगे कर्मों की गुह्य गति के बारे में। हम हमेशा प्रश्न करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, और ऐसे कई सारे प्रश्न। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे आशीष भाई जी से। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। तो आपको इस सेशन में सबसे पहले तो बताया हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। फिर हमें उसका भी परिचय मिला, वो कौन है? वो भी मेरी तरह ही है, वो भी आत्मा ही है, लेकिन परम है। परम माना क्या? श्रेष्ठ है, सर्व गुणों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसका पूजन है, उसको हम याद करते हैं। फिर आपने राजयोग की विधि भी सुनी। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे कर्मों की गुह्य गति। क्योंकि कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, है ना? कि कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म करते समय कौन सा अटेंशन देना है, कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है, पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और कैसे हम कर्मों को फॉरवर्ड लेके जाते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, भी हम सुनेंगे। तो आज का टॉपिक सभी अटेंशन देके सुनना, क्योंकि आपको समझ में आएगा इस टॉपिक से कि सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आगे के कई जन्मों के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परमात्मा को इसमें शामिल करना है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक 10 सेकंड के लिए साइलेंस में चले जाते हैं और हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, सिर्फ साइलेंस में। बस सामने परमात्मा की तस्वीर है, शिव बाबा की तस्वीर है, तो आप सिर्फ उसको देखें 1 सेकंड, उसको याद करें और साइलेंस में बैठें। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम जानेंगे कर्म क्या है, भाग्य क्या है, कौन कौन अपना भाग्य लिखना चाहता है। यहां से दिख रहा है मुझे, तो आप अपने आप से पूछो कौन कौन अपना भाग्य लिखना चाहता है। और भाग्य कैसे लिखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज। बहुत लोगों को यह आदत रहती है, सुबह उठ के क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसमें भी क्या पढ़ते हैं,
हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, किस किस को यह आदत है हॉरोस्कोप पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की? ना ठीक है पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उसमें हमारे इसमें लिखा होता है कुछ तो ब्याज गड़बड़ होने वाली है, तो क्या उस गड़बड़ को चेंज कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, क्या भगवान हमारा भाग्य लिखता है या हम अपना भाग्य लिखते हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि ये बहुत जैसे हम कहते हैं ना, एक गलत मान्यता है, हम कहते हैं भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, बहुत बार ऐसा कहते हैं ना, उसके मन में जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन हमने देखा ना, भगवान का परिचय देखा कि वो कैसे गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो जो सुख का सागर है, अगर उसके मन में होगा मेरा भाग्य लिखे, तो वो क्या लिखेगा? दुख लिखेगा, उसको दुख का नॉलेज भी नहीं है। ये दुख लिख सकता है भगवान हमारे भाग्य में? ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही, लॉजिकली थोड़ा सोचना है। देखो हम आरती में कहते हैं ना, सुख करता दुख हरता, उसकी भगवान की महिमा में हम कहते हैं वो सुख करता है दुख हरता है, तो माना सुख देने वाला है और दुख हरने वाला है। लेकिन फिर भी जब दुख होता है तो उंगली कहाँ जाती है? तो इसीलिए प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, क्योंकि हम कहते कुछ है, करते कुछ है, और सोचते तो और भी कुछ है ना? और इसीलिए अभी आज जानना है हमें भाग्य कैसे लिखे। तो ये सबसे बड़ी रिवल्यूशन अगर हम कहें, कि बहुत लोग समझते भी हैं कि हम ही अपना भाग्य लिखते, लेकिन फिर भी वो विधि नहीं मालूम है भाग्य कैसे लिखना है। तो आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले तो हमें परिचय मिला कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, और मैं आत्मा कैसे हूँ, शांत स्वरूप। मुझ आत्मा के तीन फैकल्टीज है, तीन शक्तियां है, सूक्ष्म शक्तियां। कौन सी शक्तियां है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है? मन है सोचने की शक्ति। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय लेने के बाद शरीर द्वारा जब कर्म होता, उसका एक, उसकी एक छाप, उसकी एक इम्प्रेशन आत्मा में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। तो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल अगर बताए, कि अगर एक कोई फीमेल है घर में, एक पत्नी है, तो वो माँ के साथ है अपने, तो वो उसको बेटी कहते हैं, पति के साथ है तो उसको पत्नी कहते हैं, और बच्चे के साथ है तो उसको माँ कहते हैं। तो है एक ही व्यक्ति, लेकिन नाम अलग अलग है। वैसे ही आत्मा में एक ही हूँ, लेकिन नाम अलग अलग है। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कहते हैं मन। देखो बाहर की दुनिया में ये कॉन्फ्रेंसेस रहती है, माइंड बॉडी सोल कॉन्फ्रेंस, उसमें माइंड और सोल को डिफरेंस डिफरेंट कर दिया। लेकिन परमात्मा के हमें एक क्लियर ज्ञान देता है कि माइंड, मन और आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, आत्मा में ही मन है। तो जब मैं आत्मा सोचता हूँ मुझे मन कहते, फिर मैं आत्मा निर्णय करता हूँ कि क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं। फिर शरीर द्वारा कर्म होता है, और उस कर्म का इम्प्रेशन मुझ आत्मा में फिर से स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। ठीक है, तो भाग्य कैसे बनता है? इन तीन चीजों के नॉलेज के ऊपर। मन क्या करता? संकल्प करता। बुद्धि क्या करती? निर्णय लेती। तो जस्ट लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गया, फ्रेंड्स ने कहा चलो सिगरेट स्मोक करते हैं, ठीक है, संकल्प आया, बुद्धि ने निर्णय किया, अरे मेरे फ्रेंड्स भी तो कर रहे हैं ना, व्हाट्स द बिग डील, लेट्स डू इट, बुद्धि ने किया। शरीर द्वारा कर्म किया, मैंने सिगरेट स्मोक कर ली, और उसका क्या किया, अभी सिगरेट की वो टेस्ट होगी, वो अनुभव होगा, वो सब फिर से आत्मा में स्टोर हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, तो पास्ट कर्म के जो रिकॉर्डिंग है उसके अनुसार मेरे संकल्प चलेंगे। अभी फिर से फ्रेंड्स कहेंगे चलो एक बार फिर से स्मोक करते हैं, तो दिस टाइम आई विल बी मोर कंफर्टेबल, व्हाट विल आई से, क्या कहूंगा मैं, अच्छा लास्ट टाइम तो किया था ना, अच्छा लगा था मुझे, फिर से एक बार करते हैं। तो मन के द्वारा फिर से संकल्प हुआ, और ये पूरा चक्र फिर से रिपीट होता है। फिर से मैंने स्मोक कर लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हजार बार, क्या हो गया, ये पूरा चक्र रिपीट होता है, जिससे बनती है आदत।
हम बोलते हैं ना, कोई कोई चेन स्मोकर रहता है, तो जब आदत ये बनती है, तो अगर मुझे ये सिगरेट स्मोकिंग की, चेन स्मोकिंग की आदत होगी, तो मेरे शरीर के ऊपर उसका क्या असर होगा? हेल्दी तो नहीं बनेगा ना शरीर, शरीर वीक बनेगा, वर्स्ट केस कैंसर तक जा सकता है वो। तो हम क्या कहते हैं उस वक्त, ये मेरा भाग्य है। तो बहुत बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, सिगरेट स्मोक के वक्त हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब शरीर के ऊपर असर होता है तो हम कहते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों। और जब ये क्वेश्चन आता है तो मन विचलित होता है, हलचल में आता है, टेंशन में आता है। लेकिन ये भाग्य बनाया किसने? चक्र को देखो, कहाँ से शुरुआत हुई इस भाग्य को बनाने की? वो हो गई मन से, संकल्पों से। हम बहुत बार क्या करते हैं कि शरीर को, शरीर द्वारा जो कर्म करने हैं उसको हम बदले तो हमारा भाग्य बदलेगा। ठीक है, कुछ हद तक वो बदल भी सकता है, लेकिन पहले मन को भी तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि शरीर द्वारा कर्म करना करते जब हम है, तो उससे पहले भी क्या है, उससे पहले मन संकल्प करता है। मैं आत्मा संकल्प करता हूँ, मैं आत्मा निर्णय करता हूँ, फिर मैं आत्मा इस शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फिर यह कर्म होता है और फिर से वो रिकॉर्डिंग आत्मा में स्टोर हो जाती है। तो हमारा भाग्य बना कौन रहा है? अपने आप से पूछो, हमारा भाग्य बना कौन रहा है? अगर इस चक्र को आप समझते हो, और एक एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दे दूं आपको, एक एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने किसी को कहा अरे आप मेरी सीट में बैठे हो, आप प्लीज उस दूसरी सीट पर जाके बैठ सकते हो, तो मैंने बहुत प्यार से उसको बोला, उसने नहीं माना। दूसरी बार भी प्यार से बोला, उसने नहीं माना। अभी तीसरी बार मैंने थोड़ा आवाज चढ़ा के, गुस्से में आके उससे बात की और वो झट से उठ गया। अभी संस्कार क्या हुआ मेरा, अरे आवाज चढ़ाओ ना, थोड़ा गुस्सा करो ना, तो काम होता है। अभी ये रिकॉर्डिंग हो गया। पहला रिकॉर्डिंग क्या था, प्यार से काम नहीं होता, ये उठा नहीं। दूसरा रिकॉर्डिंग क्या हो गया, गुस्सा करो ना, आवाज चढ़ाओ ना, तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम मुझे किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो क्या करना पड़ेगा, काम करवाना है तो। अभी तो रिकॉर्डिंग हो चुका ना, अरे प्यार से बात करने से कुछ नहीं होता, गुस्से से काम करवा लो। तो हर वक्त अगर मैं अपना कर्म गुस्से से करवा रहा हूं हर वक्त, तो क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? आपको मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा और वो काम में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो जब मेरी आदत बन जाती है हर बार गुस्से से काम करो, गुस्से से काम करो, तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ कोई काम करना अच्छा नहीं मानेगा, मुझसे दूर दूर भागेंगे लोग। तो ये बन जाता है मेरा भाग्य, अकेलापन। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे एम्प्लॉयज मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये भाग्य बना कैसे? मेरे ही द्वारा, मेरी ही आदतों की वजह से। क्या करना पड़े, क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा जीवन में, रिश्ते, प्यार या पैसा? क्या समझते हैं, मन की संतुष्टता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या समझते हैं? आजकल कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं उनको नींद नहीं आती है, आगे बिजनेस कैसे बढ़ाना है, और जो एकदम पुअर होते हैं वो पत्थर पर भी आराम से सोते हैं, क्योंकि है ही नहीं कुछ, मन के संतुष्ट है। तो ये हमारा चॉइस है एक्चुअली, इफ वी थिंक अबाउट इट, ये हमारा चॉइस है कहाँ पर फोकस करना है, कौन सा भाग्य बनाना है। इसीलिए बाहर की दुनिया में भी तो कहते हैं ना कि आपका भाग्य आपके हाथ में है, लेकिन परमात्मा कहता है हाथ में नहीं, आपका भाग्य आपके संकल्पों में है, थॉट्स में है। एवरी टाइम आई क्रिएट अ थॉट, आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। क्या डेस्टिनी क्रिएट करना चाहेंगे? देखो जब हम हॉरोस्कोप वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें अगर कुछ लिखा होगा कि आपके साथ आज कुछ गलत होने वाला है, तो क्या समझते हैं, जिनकी भी वो राशि होगी, हर एक के साथ गलत होगा या किसी किसी के साथ गलत होगा? देखो गलत किसके साथ होता है मालूम है, या अनुभव से अगर आप सोचेंगे ना, अगर बार 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 आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना,
हाँ आज कुछ तो भी गलत होने वाला है, उन्होंने बताया हाँ आज कुछ तो भी, तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब कुछ अच्छा है ना, उसमें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ गलत, फिर हम कहते हैं हाँ देखो आज सुबह किया था ना, सुबह वो पढ़ा था ना, उसी की वजह से, ये एकदम सच बोलते हैं, सच नहीं बोलते, हम उसके बारे में सोचते बहुत है। देखो हम मंदिर में भी बहुत बार जाते हैं तो कोई पुजारी ना हाथ में वो गंडा बांधता है ना, धागा बांधता है, आपको ये अनुभव होगा, और धागा बांधते समय वो क्या कहता, आप उसको हमेशा अपने साथ रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। क्या धागा बांधने से सबका जीवन सुखी हो जाता है? क्या समझते, क्या सभी को वैसी अनुभूति आ जाती है? किसी किसी को अनुभूति आती है, किसी किसी को नहीं आती है। किसको आएगी? जो उस धागे की तरफ देखेगा और सोचेगा अरे ये तो मंदिर में बांधा है, अरे उसने कहा था ना मेरा सब अच्छा होगा, तो जैसा मेरा मन संकल्प करेगा मेरा भाग्य वैसा बनता जाएगा। और किसी ने धागा बांधा है और कहेगा ये इसमें मैं कुछ विश्वास नहीं रखता, ये तो ऐसी चीज है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उसको वो अनुभूति भी नहीं आएगी। इसीलिए श्रद्धा विश्वास, इसके ऊपर क्यों आज तक हम सुनते आए, श्रद्धा विश्वास और क्या है, मन का वो दृढ़ संकल्प है कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो जितना जितना हम अपने बारे में ऐसा सोचते जाएंगे, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, इतने पॉजिटिव संकल्प अगर हम करेंगे तो मेरी आदत ही बनेगी हर चीज में पॉजिटिविटी की, तो भाग्य क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। इसलिए गीत सुना ना, जैसा सोचोगे वैसा फल पाओगे, वैसा बनोगे, जैसा कर्म वैसा फल पाओगे। तो सोचने के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस है। आज तक हमने पिछले सेशन जो हुए उसमें भी कहाँ पर फोकस किया, सोचने पर। क्यों आपको मेडिटेशन कमेंट्री बार बार दी जाती है और आपको रिपीट करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है अच्छा सोचने की, छोटी छोटी बातों में भी गलतियां निकालते हैं, उसके बारे में निगेटिव सोचते रहते हैं। तो जब हमें ये आदत हो गई है तो जितना निगेटिव सोचेंगे, आदत ही निगेटिव हो गई है, तो भाग्य भी कैसा बनेगा। और इसीलिए तो आज तक हम कहते हैं ना, पता नहीं मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, पता नहीं, नहीं पता है, अभी उसको सिर्फ बदलना है मन को संकल्प। जितना जितना हम मेडिटेशन को बढ़ाते हैं, राजयोग को बढ़ाते हैं, संकल्पों को परिवर्तन करते हैं, मेरी आदतें बदलती है, आदत बदलेगी तो भाग्य बदलेगा। तो बदलेंगे सभी भाग्य, बदलेंगे? या अभी भी ये डाउट आ रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। देखो ये डाउट करना भी कौन सा संकल्प है, डाउट का संकल्प आप पॉजिटिव समझते हो निगेटिव समझते हो, तो जैसा डाउट करेंगे भाग्य भी वैसा बनता जाएगा। तो अटेंशन हमें रखना है हमारे ऊपर, कौन से संकल्प, ये बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई कोई आत्माएं आती है ना तो बोलती है बाप रे अभी मुझे अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखना है, नहीं थोड़ा सा बीच बीच में चेकिंग करनी है, ये अच्छा नहीं लगता ना मैं सोच रहा हूँ, चलो उसको निकाल देते हैं, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, फिर से उस शांति के अनुभव में चले जाएंगे, भाग्य बदलता जाएगा। लोग कोई भी कुछ भी कहे हमें, आपके जीवन में ये होने वाला वो होने वाला, लेकिन फिर भी उसको बदलने की शक्ति मुझ आत्मा में है। तो सभी रेडी है बदलने के लिए? बहुत सिंपल है आदत बदलना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप। परमात्मा बहुत सुंदर शब्द यार हमें बोलता है, हम सब आत्माओं को बोलता है कि हिम्मत का एक कदम आपका और बदले में हजार कदम की मदद मेरी। तो देखो परमात्मा भी रेडी है मदद करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन डाली है उसने, कौन सी, हिम्मत का एक कदम आपका। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आप पिछले कुछ दिनों से सेशन सुन रहे हैं, तो ये भी हिम्मत का कदम है, और इसीलिए तो ये ज्ञान मिल रहा है आपको, परमात्मा का परिचय मिल रहा है, ये भाग्य बन रहा है आपका। तो इसीलिए मन के संकल्पों के ऊपर जितना अटेंशन देंगे भाग्य भी बदलता जाएगा। तो कर्म क्या है, भाग्य क्या है? कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, जो मैं कर्म करता हूं, इवन थॉट्स, आई क्रिएट माय थॉट्स, सो एनी क्रिएशन इज कर्म, जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूं, रच रहा हूं, वही कर्म है। और शरीर नहीं कर्म करता, आत्मा कर्म करती, शरीर सिर्फ साधन है। तो ये डिफरेंस मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म करने वाली आत्मा है, शरीर नहीं।
इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना। इसलिए तो पहले ज्ञान कौन सा मिला, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। तो जो हम करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो है कर्म। तो जैसे सोच भी क्या है ना, मैं क्रिएट करता हूँ, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, इसको कितना भी बोलो ये वो, तो इतना दिन में चलता रहता है ना, वो भी कर्म हो जाता है। फिजिकली कुछ बोलते हैं, फिजिकली कुछ करते हैं, वो भी कर्म हो जाता है। तो हमारा कर्म की शुरुआत है सोच। नेक्स्ट, उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो है कर्म फल, जिसको कहते हैं भाग्य, और कुछ नहीं है। तो कर्म है इनसाइड आउट, भाग्य है आउटसाइड इन, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो कर्म है, एक है भाग्य। एक ने एक क्वेश्चन पूछा था, लक क्या है? तो लक माना क्या, भाग्य माना क्या? लक माना भाग्य ही कहेंगे, कि हर परिस्थिति मेरे जीवन में मेरे अनुकूल चलती है, जो मैं चाहता हूं ना वही होता है। और वो एक्चुअली राइट है, वो एक्चुअली राइट है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे लेकिन आउटकम पॉजिटिव चाहिए, वो तो नहीं होने वाला है। चाय बना रहे हैं, चाय में शुगर की जगह पे नमक डाल दिया, और हम सोचे कि यार ये चाय मीठी बन जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कर्म करेंगे वैसा उसका फल है। चाय में शुगर डालो, मीठी चाय, नमक डालो, कड़वी चाय। सिंपल सिंपल। तो अटेंशन कहाँ पे देना है, क्या डाल रहे हैं है ना, क्या सोच रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता, जिससे हमारा भाग्य बनता है। तो ये कर्मों का लॉ क्या कहता है, ये कर्मों का लॉ कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। कर्मों का लॉ तो हमने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, शास्त्रों में सुना है या और कहीं पर भी सुना होगा। कि क्या कहता कर्मों का लॉ, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। सुना है ना आज तक ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना उसी के ऊपर अटेंशन नहीं था। भरने के टाइम पे अटेंशन आ जाता है। बॉल में ऊपर फेंकता हूँ, बहुत जोर से बॉल ऊपर फेंकता हूँ, लेकिन 10 दिनों के बाद जब नीचे आ जाता है ना, तो मैं कहता हूँ अरे मेरे पास ऐसे कैसे आया, फेंका किसने था, फेंका तो मैं नहीं था, तो आएगा कि किसके पास, मेरे पास ही आएगा। हम क्या बो रहे हैं तो उसी से वो तो वो फल फूल वैसे ही आएंगे ना। जो बीज डाला है वही फल फूल निकलेंगे। तो बोने के ऊपर अटेंशन, करने के ऊपर अटेंशन, लेकिन अगर हम और डेप्थ में जाए, आज अभी तक जो नॉलेज मिला है कि कर्म के पीछे भी सोच है, तो ये कर्मों का लॉ कहता है जैसा हम सोचेंगे वैसा भाग्य बनाएंगे। जैसा हम सोचेंगे, देखो हम जैसे, आपने ये ज्ञान भी लिया अभी तक सेशंस में कि हम आत्मा है शरीर नहीं, लेकिन आज तक जब हम अपने को शरीर मानते चले गए तो हम करने के ऊपर बहुत फोकस किया, कर्म करने के ऊपर, लेकिन कर्म करने से पहले जो सोच है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये कहना कितना सिंपल है ना, देखो अगर हम किसी को रस्ते में मिलते हैं ना, उसने कोई अच्छी साड़ी पहनी है, कुछ भी है, तो हम बाहर से तो कहेंगे अरे कितनी सुंदर साड़ी है, कलर तो एकदम अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन सोच कभी कभी क्या होती है, क्या पहन के आए इसको, तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो सोच है अलग, बोल है अलग, ये है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी निगेटिव एनर्जी है। तो मेरी निगेटिव एनर्जी बाहर गई, भाग्य क्या बनेगा, वो आपके आपके कपड़े के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं आपको, फिर आपको दुख होगा, मैंने तो इसको कॉम्प्लीमेंट दिया, इसने तो बाद में कुछ कहा भी नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं भी नहीं दूंगा कॉम्प्लीमेंट, अभी वो शुरू हो जाता है। तो वो क्या हो गया, क्योंकि अंदर की सोच नहीं है ना परिवर्तन की, और इसलिए बाहर के बोल को, बाहर के कर्म को ही सिर्फ परिवर्तन करते गए हैं आज तक। लेकिन इसीलिए तो हम कहते ना, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, चलो अच्छा किया, क्या अच्छा सोचा, करने से पहले अच्छा सोचा, वो भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो इसीलिए जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही भाग्य बनता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति को जानना क्यों जरूरी है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, सभी को मालूम होगा शायद कि भारत में हम जब ड्राइव करते हैं ना रास्ते पे, तो लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं, और अमेरिका में जब ड्राइव करते हैं तो राइट साइड से ड्राइव करते हैं।
चलो अभी मैं भारत में बहुत साल से ड्राइव कर रहा हूँ और यही नॉलेज लेके मैं यूएसए चला जाता हूँ और वहां पर भी लेफ्ट साइड से ड्राइव करना शुरू कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बस सामने से गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं भी दुखी वो भी दुखी। और अगर एक्सीडेंट हुआ भी नहीं ना तो भी मुझे टिकट मिलेगा, कोई ना कोई पकड़ेगा, वो भी दुख है। अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लॉ नहीं मालूम था, लॉ के डिटेल्स नहीं मालूम थे और इसीलिए दुख हुआ। अगर लॉ मालूम होता तो ये गलती होती ही नहीं। तो आज तक दुख होने का कारण ही है हम कर्म करते गए लेकिन अटेंशन नहीं था कर्मों के ऊपर। इसने मुझसे गलत व्यवहार किया, माना मैं मुझे उसके साथ गलत करना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। और इसलिए आप एक करो वो दूसरा करेगा, फिर आप करो, फिर वो चक्र कभी खत्म ही नहीं होता है। और इसमें निगेटिविटी इतनी बढ़ती है, निगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ती जाती है और इसलिए फिर हम एंड में कहते हैं मेरा भाग्य है ना ऐसा, इसलिए ऐसी व्यक्ति मुझे मिली है। कभी कभी पति पत्नी के बीच भी होता है, कभी बिजनेस में होता है, कभी और कहीं पर होता है। तो नॉलेज जब मिलता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, देन इट इज इन आवर हैंड्स व्हाट टू डू नेक्स्ट। और इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड विजडम। तो नॉलेज माने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये नॉलेज ही विजडम नहीं है। एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज इज विजडम। तो स्पिरिचुअल नॉलेज माना क्या है? आत्मा के बारे में जानना, अपनी शक्तियों के बारे में जानना और उस शक्तियों को कितना हम प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कितना हम हलचल में भी अचल रह सकते हैं, इमूवेबल रह सकते हैं, दैट इज विजडम। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति आएगी बट वेन वी नो कि ये क्यों आ रही है, देन वी हैव द चॉइस। उसके बाद हमारे पास चॉइस है, अब इस परिस्थिति में मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, और उससे मेरा भाग्य बनता है। सो एवरी थॉट काउंट्स, हर संकल्प का महत्व है। और ये संकल्प एक दिन में परिवर्तन नहीं होंगे क्योंकि अभी आदत नहीं है ना हमें, तो क्या करेंगे? इसलिए तो मेडिटेशन सीख रहे हैं। अभी क्या होता है, किसी ने कुछ गलत कहा तो इमीडिएटली मैं सोचता ही गलत हूं, लेकिन अभी समझ में आया है मेरी सोच का असर मेरे भाग्य के ऊपर है, तो अभी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा नहीं। तो संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। देखो किसी घर में पति पत्नी का सुबह झगड़ा झगड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप शाम को उस घर में जाओ, समझ में आ जाएगा। क्योंकि पत्नी कह रही है मन ही मन में ये मुझे सॉरी बोले, पति कह रहा है ये मुझे सॉरी बोले, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, निगेटिविटी है घर में, वाइब्रेशंस काउंट होते हैं। और वैसे ही एक कॉलोनी में हर एक के घर में अलग अलग वाइब्रेशंस है, लेकिन उसी कॉलोनी में एक मंदिर रहता है, उस मंदिर के वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं। क्यों? आप किसी राजयोग सेंटर पर जाओ, ब्रह्म कुमारीज के सेंटर पर जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी चर्च में जाओ, किसी गुरुद्वारे में जाओ, वाइब्रेशंस अलग फील होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी जाता है ना इस थॉट से जाता है, यहाँ आने के बाद मेरा सब अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही होगा। तो जहां पॉजिटिविटी है, जहां पे कॉन्फिडेंस है, वहां पे वाइब्रेशन कैसे रहेंगे? तो क्या ये वाइब्रेशंस आप अपने घर में भी चेंज कर सकते हैं? क्या सोचते हैं, घर घर को मंदिर बना सकते हैं? क्योंकि उस मंदिर के वाइब्रेशंस चेंज करने वाले भी हम ही हैं और कोई नहीं है। और इसीलिए अगर हम वो वाइब्रेशंस चेंज कर सकते हैं ना, तो हम अपने घर के वाइब्रेशंस भी चेंज कर सकते हैं। तो एवरी थॉट दैट वी क्रिएट एक्चुअली वो रिपल इफेक्ट तैयार करता है। जैसे पानी में आप कोई पेबल डालो ना, कोई एक छोटा सा पत्थर डालो, तो वो तरंगे लाता है ना पानी के ऊपर, और वो तरंगे क्या करती है, बाहर बाहर जाती है और फिर से वापस आ जाती है उसी सेंटर के ऊपर। लेकिन कोई कोई तरंगे जो होती है, कोई कोई जो रिपल्स होती है, वो क्या होती है, वो इमीडिएटली आती है। कोई कोई तरंगे कुछ दिनों के बाद आती है, कोई कोई तरंगे कुछ सालों के बाद आती है, लेकिन वो आएंगी जरूर। आप लोगों ने इको पॉइंट देखा है क्या? महाबलेश्वर में भी है इको पॉइंट और भी कहीं कहीं जगह पे होगा, या गुंबज में अगर आवाज करते हैं तो क्या हो जाता है, इको मालूम है ना आप लोगों को, जितना जोर से आवाज करो उसी
उसी जोर से वो वापस आ जाता है। वैसा ही है, थॉट भी वैसे ही है। जो वाइब्रेशन जो थॉट में क्रिएट करता हूं वो इस यूनिवर्स में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए तो ना देखो, जब मंदिर में गए तो थॉट क्रिएट किए बहुत अच्छे, तो वो वाइब्रेशन वहां के चेंज हो गए, वहां पे जाते ही मन को प्रसन्नता आती है। वैसे अगर घर में मुझे बार बार मैं निगेटिव इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, या गलत चीजें पढ़ रहा हूँ, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, तो घर के वाइब्रेशन कैसे हो जाते? बहुत आत्माएं यहाँ पर जो आते हैं ना सेंटर्स के ऊपर, तो हमें कहती है भाई सेंटर पर आते हैं ना तो मन शांत होता है, लेकिन घर पर जाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो भी सेंटर्स पर आता है मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन इज व्हाट? इट्स नथिंग बट क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स। कुछ हुआ है मेरे जीवन में, चलो उसको भी थोड़ी नए नजरिए से देखते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी उसके बारे में सोचते हैं। तो जब जब मुझे वो आदत पड़ जाती है पॉजिटिव सोचने की, क्या हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज होना शुरू होते हैं। और वही हमें घर में भी करने हैं, क्योंकि जो मैं संकल्प करूंगा इट विल क्रिएट दैट रिपल इफेक्ट इन टू द एटमोस्फियर, और वो रिपल बाद में आएगा ही, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। अंडरलाइन दिस, जो थॉट में क्रिएट करता हूं उसका इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमीडिएटली इफेक्ट आता है तो समझ में आता है, अरे ये मैंने सोचा था ना, ये मैंने किया था ना, इसका वजह से ये हो रहा है। कभी कभी कुछ दिनों के बाद आता है वो भी समझ में आ सकता है, अरे उस दिन मैंने ये किया था ना उसका, जैसे कल मैंने कुछ ज्यादा खाया होगा तो आज पेट खराब हो जाएगा, तो वो इमीडिएटली समझ में भी आता है। लेकिन कभी कभी कोई रिपल इफेक्ट जो आते हैं ना, कभी कभी कोई जो रिपल्स आते हैं, तरंगे आती है, वो कुछ 10 साल के बाद आती है, 20 साल के बाद आती है, कभी कभी 100 साल के बाद आती है। लेकिन 100 साल के बाद मैं आत्मा इस शरीर में रहूंगा नहीं, एवरेज आयु तो इतनी नहीं रहती ना आजकल, तो इस शरीर में रहूंगा नहीं, लेकिन वो आएगा जरूर। और जब मैंने शरीर बदला है और वो जब फिर इफेक्ट आता है, फिर मुझे सोच में पड़ जाता हूँ कि पिछले जन्म का तो कुछ याद नहीं है ना, तो सब फिर सोच में मैं पड़ जाता हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो कितना अच्छा बिहेव करता हूँ हर एक के साथ, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, कितना प्यार देता था मैं इसको, कितना उसको बिजनेस में भी आगे बढ़ाया, मैंने आगे बढ़ाया इसको और इसी ने मुझे धोखा दिया, क्यों, उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले पुनर्जन्म को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आत्मा जब शरीर छोड़ता हूं तो एक शरीर को छोड़ मैं दूसरे मनुष्य शरीर में ही जाता हूं, किसी भी प्राणी के शरीर में नहीं जाता। तो आत्मा जब गर्भ में शरीर फॉर्म हो रहा है तो मैं आत्मा शरीर छोड़ के गर्भ में प्रवेश करता हूं, और जब मैं गर्भ में प्रवेश करता हूं तो शरीर में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं चुरपुर होती है। माँ कहती है ना अभी नाउ आई कैन फील, वो अंदर से किक लग रहा है, अंदर से मतलब महसूस हो रहा है हिलना वगैरह। तो पहले भी तो शरीर था ना, लेकिन उस वक्त हलचल नहीं थी, अभी हलचल होने लगी, क्यों, क्योंकि हर शरीर को चलाने वाला उसमें आ गया। तो जब शरीर ये अनयूजेबल हो जाता है तब हम ये शरीर छोड़ते हैं। जैसे कार अनयूजेबल हो गई तो कार तो नहीं चला सकते, लेकिन जाना तो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो नई कार तो लेनी पड़ेगी। और वैसे ही मैं आत्मा जब ये शरीर छोड़ता हूँ तब ये शरीर छोड़ में एक गर्भ में प्रवेश करता हूँ किसी शरीर में, इट कुड बी अ मेल शरीर और अ फीमेल शरीर, लेकिन ये हमेशा मनुष्य तन में ही आता है। आज तक हम सुनते आए शास्त्रों में कि हम जैसे छोटे से कण से, छोटे से एनिमल से, कीड़ा मुंगी बटरफ्लाई, वहां से जाके 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 और लास्ट में हमें सबसे पुण्यवान जन्म वो मनुष्य जन्म मिलता है। ये भाग्य की बात है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन अभी अपने आप से पूछो, आज तक ये सुना कि हम अपने पाप धोते 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 हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, तो अगर हम अपने सब पाप धोते इस इतने सुंदर मनुष्य जन्म में आए हैं तो ये मनुष्य जन्म फिर कैसा होना चाहिए? सब पाप धुले हैं ना, तो जन्म कैसा होना चाहिए? क्या कभी ऐसा होगा जन्मते ही कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल पैदा हो, जन्मते ही कोई बच्चा इमोशनली डिसेबल पैदा हुआ हो, कोई बच्चा गरीब घराने में पैदा होता है, कोई बच्चा अमीर घराने में,
तो अगर मेरे सब पाप धुले तो सब लोग भी अमीर अमीर घराने में ही पैदा होने चाहिए, हेल्थ भी परफेक्ट चाहिए। आज सबसे ज्यादा भोगना किसे है मालूम है? मनुष्यों का है। सुसाइड कौन करता है? मनुष्य करते, प्राणी नहीं सुसाइड करते हैं। 84 लाख योनियों में हम नहीं जाते हैं, हम हमेशा मनुष्य तन में ही जाते। तो ये डर अगर मन में है ना, क्योंकि बहुत बार कहते हैं हम, आप इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो, नहीं तो आप चिपकली बन जाओगे। नहीं, कुछ नहीं बनने वाले हैं। हाँ, पाप कर्म के हिसाब से हमें गरीब अमीर शरीर वो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम कभी भी एनिमल्स नहीं बनते हैं। जैसे एक बीज होता है, चीकू का बीज है, तो चीकू का बीज आप पूना में डालो या दिल्ली में डालो, निकलेगा क्या उससे? चीकू ही निकलेगा ना। तो ऐसा तो नहीं ना पूना में चीकू निकला और फिर दिल्ली में गए तो आम निकला वहां से। नहीं, जैसा बीज वैसा फल। तो वैसे ही मनुष्य आत्मा एक बीज है, उसमें मन है, बुद्धि है, संस्कार है। एनिमल्स के इसमें भी है मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन उनकी बुद्धि की क्वालिटी थोड़ी नीचे वाली है, लोअर क्वालिटी इंटेलेक्ट है। आज तो हम इसलिए तो कंपेयर करते हैं, जब हम बुद्धि से सोचते नहीं है और गलत कर्म करते हैं तो हम इमिजिएटली क्या कंपेयर करते हैं? अरे आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि जानवर, आप तो जानवर से बदतर हो गए। तो हम जानवरों को कंपेयर करते हैं क्योंकि हम सोचने की शक्ति हमारी अभी बहुत कम हो चुकी है, निर्णय करने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। लेकिन यही तो फिर से बढ़ाना है ना, राजयोग को कहते ही है बुद्धि योग। तो बुद्धि को जितना पक्का करेंगे, निर्णय करने की शक्ति जितना पक्का करेंगे, तो निर्णय अच्छा करेंगे तो कर्म भी अच्छा होगा, संस्कार भी अच्छे बनेंगे। तो ये सबसे पहले अंडरलाइन करना है हमें, जैसा बीज वैसा फल। तो मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य योनि में ही जाती है, मनुष्य तन में ही जाती है। मेल फीमेल, यस दैट कुड हैपन। फिर अमीर घराने में जाएगी, गरीब घराने में, वो हमने कर्मों के हिसाब से है। अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा शरीर मिलेगा, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से है। लेकिन मैं मनुष्य आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता हूँ, वो सिर्फ मनुष्य शरीर ही लेता हूँ। लेकिन हम साथ में क्या लेकर जाते हैं? हम बहुत बार कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम हमेशा भर्तू होकर आते हैं और कुछ ना कुछ साथ लेकर जाते हैं। तो क्या लेकर जाते हैं? देखो, इसके बारे में एक स्टोरी है। एक हमारे साथ तीन मित्र रहते हैं हमेशा। एक मित्र जो है ना, वो हमारे मरने के बाद दरवाजे तक आता है। एक मित्र जो है ना, वो हमारे साथ शमशान भूमि तक आता है। लेकिन एक मित्र जो है, वो हमारे साथ आगे की जर्नी के लिए भी चलता है। तो कौन सा मित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? पहला वाला जो दरवाजे की चौखट तक आएगा, दूसरा वाला जो शमशान तक आएगा, या तीसरा वाला जो हमेशा साथ चलेगा? कौन सा मित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सोचते हैं? देखो, जो पहला वाला मित्र है ना, वो जो दरवाजे तक आता है, वो है हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा वैभव, हमारा पैसा, करोड़ों के मालिक है। एक सेकंड में शरीर छूटा, कहाँ गए करोड़ सब? लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। घर छूटा, सब कुछ छूटा। शमशान तक कौन सा मित्र आता है? रिलेटिव्स, गुड बाय करने के लिए आएंगे और कुछ नहीं, आगे नहीं जा सकते वो। लेकिन हमारे साथ कौन जाता है मालूम है? हमारे साथ जाते हैं हमारी हमारे संस्कार। हमारे संस्कार हम साथ में लेके जाते हैं। और संस्कार परिवर्तन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं हम लोग? जो फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान है, पूरा दिन ये कमाना है, वो कमाना है, इसके साथ ये सब, ये सब के ऊपर ध्यान दे रहे, which is important, of course, I'm not saying it's not important, it is important, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे साथ जाएगा उसके ऊपर भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। क्या समझते हैं, ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखो, परिवार के जैसे हम अपने संस्कार को बदलेंगे ना, तो हमारा धन भी बढ़ेगा, हमारे रिश्ते भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो उसके ऊपर अटेंशन देना जरूरी नहीं पड़ता है। आज क्यों थके हैं हरे? क्योंकि हम एक 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 चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम एक एक पत्ते को पानी डाल रहे हैं, लेकिन रूट्स को पानी डालो तो सब पत्ते को मिल जाएगा। तो रूट्स ही है, अपने संस्कार को बदलो तो मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा।
ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर सेइंग है, इट सेज संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो मेरा संसार क्या है? ये दुनिया है ना, मेरे रिश्ते हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मेरी स्कूल लाइफ है, ये संसार है मेरा, कॉलेज लाइफ है। लेकिन उसको बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? मेरे संस्कार, मेरी आदतें। और हमने पहले स्लाइड में देखा था संस्कार कहाँ से बदलते हैं? अपने मन के संकल्पों से। तो संस्कार इज नथिंग बट एक एक ट्रैक रहता है। जैसे आप सीडी को जानते होंगे, सीडी जो टेप रिकॉर्डर में हम बजाते हैं, सीडी प्लेयर में बजाते हैं, उसमें ट्रैक्स रहते हैं गीतों के। अगर एक सीडी के ऊपर गंदे गीत डाले हैं, तो वो सीडी इस टेप रिकॉर्डर में डालो या उस टेप रिकॉर्डर में डालो, गीत तो वही बजेंगे। वैसे ही मैं आत्मा अगर गलत संस्कार लेकर जा रहा हूं, तो मैं इस शरीर में हूं या उस शरीर में हूं, मैं अनुभव तो वही करूंगा। और इसलिए तो हम बहुत बार देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उसके माँ बाप बहुत शांत रहते हैं, लेकिन छोटेपन से उसको टेंशन लेने की आदत है, छोटेपन से वो डरा हुआ है, छोटेपन से ही वो गुस्से में है। और हम बहुत बार उसको और नीचा करते हैं, माँ बाप कंपैरिजन करते हैं। उसको देखो, आपके बड़े भाई को देखो, कितना वो कभी डरता है क्या स्टेज पे जाने के लिए? जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट वन सिचुएशन। आज मैं कहीं पर गया अपने बेटे के साथ, बहुत जोर से भूकंप हुआ, बहुत जोर से बाढ़ आ गई, हम बाढ़ में फंस गए, और मैंने शरीर छोड़ते समय उस बच्चे का हाथ पकड़ा था। छोड़ना नहीं चाहता था मैं उस शरीर, लेकिन वो छूट गया। अभी कौन सा डर है मेरे मन में उस वक्त? मैं अपने बच्चे को छोड़ रहा हूं, डरा हुआ हूं, और उस स्थिति में उस संस्कार लेकर मैंने शरीर छोड़ा है। अभी दूसरे जन्म में मैं वो संस्कार लेके गया, छोटेपन से मैं अपने माँ से बहुत अटैच्ड हूं, छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति है मुझ में, ये रिश्ते को मैंने छोड़ के आया हूं, कहीं ना कहीं वो दर्द है अंदर। और लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा अपने माँ से अटैच होता है, उसको कहीं छोड़ता नहीं है, माँ से, बाबा से, कोई भी, तो हम क्या कहते हैं? अपने बड़े भाई को देखो कैसा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेप्ट कि जो भी बच्चा मेरे घर में आया है वो बच्चा नहीं, वो आत्मा है, कहीं ना कहीं से शरीर छोड़ के आई है, अपने सेट ऑफ संस्कार्स लेके आई है, तो उसको एक्सेप्ट करें। हम इमीडिएटली कंपेयर करते हैं, इमीडिएटली उसके बारे में सोच बोलते हैं, तो उसके संस्कार को हम और गहरा क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वो गहरा इंप्रेशन डाल रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, तो वो भी बच्चा क्या करेगा? एक माँ बाप का कर्तव्य क्या है, सोचो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट, फर्स्ट थिंग यू एक्सेप्ट अबाउट यूर सेल्फ, कि मैं जो अभी ये, जैसे बहुत बार होता है ना कि अरे पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ये संस्कार लेके आया हूं मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म से, लेकिन आई कैन चेंज इट। अभी हमने देखा है संस्कार को परिवर्तन कैसे करना है। सेकेंडली एक्सेप्ट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, वो भी अपने अपने सेट ऑफ संस्कार्स लेके आए हैं, यू डोंट नो देयर बैकग्राउंड, कहाँ से आए हैं। ट्विन्स जन्म लेते हैं, क्या वो ऐसे एक जैसा शरीर उनका एक जैसा है, एक जैसा सोचते हैं वो, एक जैसा कर्म करते हैं? फिल्मों में भी तो दिखाते हैं ना, एक एकदम शाय है, एक एकदम एकदम ओपन, जैसे एकदम कॉन्फिडेंट है, फिल्मों में भी दिखाते ना, शरीर एक जैसा है, क्योंकि वो दोनों आत्माएं अलग अलग बैकग्राउंड से आई है, दोनों आत्माएं अपने अपने संस्कार लेके आई है। तो यू हैव, वी हैव टू एक्सेप्ट देम। एक्सेप्टेंस की एनर्जी जो है ना, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। परमात्मा भी हमें कैसे बढ़ाता है आगे, हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें एक्सेप्ट करता है। चलो बच्चे, आपको ये मालूम नहीं था ना, मैं आपको सिखाता हूं, आप ये कर नहीं सकते ऐसा नहीं सोचो, आप कर सकते हो, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी परमात्मा से हम सीखते हैं, और वही एनर्जी हमें अपने बच्चों को देनी है, अपने रिलेटिव्स को देनी है, इवन अपने सबऑर्डिनेट्स को भी देनी है। मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मैं देखता हूं एक एम्प्लॉय है ना, उसको 10 बार भी बोलो ना, ये करता ही नहीं है। यस ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक एक्शंस, आई एम नॉट सेइंग कि वो करता नहीं फिर भी उसको जॉब पे रखो, नहीं नहीं, नहीं. You have to take actions, but give them the benefit of doubt. उसके बारे में सोचो थोड़ा कि ये संस्कार लेकर आई है आत्मा, कुछ ना कुछ होगा। और इसीलिए important है समझना कि हम भी अभी क्या लेके जाएंगे,
कि अभी हम अपनी सोच को बदलेंगे, संस्कार को बदलेंगे, तो हम आगे की जर्नी में भी बहुत अच्छे संस्कार लेकर जाएंगे। अगर अभी आपको लगता है ना मुझ में गुस्सा बहुत है, मुझ में चिंता बहुत है, तो अभी बदलो, नहीं तो वो लेकर जाएंगे साथ में। और बदलने की विधि तो आपने ऑलरेडी सीखी है, राजयोग। तो अगर आपको लग रहा है ये गीत अच्छा नहीं बज रहा है, गीत को बदल दो, अगले वाले टेप रिकॉर्डर में अच्छा गीत बजेगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अटेंशन देना कि संस्कार हम एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाते हैं। सो नाउ वी हैव द चॉइस वेदर वी वांट टू चेंज आवर संस्कार्स और नो, इट इज आवर चॉइस। हमारे पास चॉइस है। कभी भी ऐसा नहीं कहो कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी परिस्थिति है, बहुत कड़ी परिस्थिति है, आई अग्री, लेकिन उस परिस्थिति में भी फिर क्या सोचना है ये भी मेरी चॉइस है, ये भी मेरी चॉइस है, ठीक है? तो संस्कार को बदले तो संसार बदलेगा, नॉट ओनली फॉर दिस बर्थ बट फॉर नेक्स्ट बर्थ्स एज वेल। तो फिर तीन क्वेश्चंस हम अभी आंसर करेंगे थोड़ा सा, उससे कर्मों की गुह्य गति हमें मालूम होगी कि क्यों कोई हेल्दी जन्म लेता है और कोई शरीर से वीक होता है। और फिर हम अपनी फैमिली को कैसे चूज करते हैं, आगे जा रहे हैं ना, अभी जर्नी तो खत्म नहीं होगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो ये परिवार बदला, अगले परिवार में चले गए, तो क्यों हम कभी अमीर घराने में जन्मते हैं, कोई गरीब, और फिर ऐसा भी होता है ना कभी कभी रास्ते पे भी कोई दिखता है तो हम इमीजिएटली बापरे उसका तो शक्ल देख के मुझे डर लग रहा है, उसका शक्ल देख के हम भाग जाते हैं, और कोई कोई एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे घर का है, तो ये क्यों लगता है? ये भी सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से है। तो जैसे देखो, जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल, अगर मुझे आदत है बार 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 गलत सोचने की, निगेटिव सोचने की, तो मैंने शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, अभी गर्भ में भी आत्मा ही सोच रही है ना, शरीर तो नहीं सोचता, तो गर्भ में भले शरीर नहीं डेवलप हुआ है लेकिन सोच तो चल रही है ना, अभी सोच की आदत क्या है, निगेटिविटी, ठीक है? अभी देखो मेरा ब्रेन जिसको बोलते दिमाग, वो अभी फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आत्मा उस ब्रेन के नजदीक जाके बैठता हूँ और गलत गलत सोचता हूँ, निगेटिव सोचता हूँ, बार 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 निगेटिव सोचता हूँ। और ये भी हम कहावत है, माइंड ओवर मैटर, जैसा हम सोचते हैं मैटर के ऊपर उसका असर होता है, ठीक है? तो जब हम सोचते हैं गलत, तो उसकी वजह से जो ब्रेन फॉर्मेशन होने वाला है वो कैसे होगा? उस ब्रेन को फॉर्म होते हुए कौन सी एनर्जी मिल रही है बार बार बार? निगेटिव एनर्जी मिल रही है। किसने बहुत गलत कर्म किया है उसके बारे में सोच रहा है, किसने किसी को मारा है, व्हाटएवर दोस्त कर, तो हमें वो संकल्प चलते हैं। गर्भ में भी हमें आत्मा संकल्प करता है, और वो संकल्प अगर गलत है तो वो ब्रेन के ऊपर वो एनर्जी जाती है, ब्रेन ठीक तरह से फॉर्म नहीं होता है, और फिर ब्रेन का असर शरीर के ऊपर होता है, मैटर के ऊपर होता है। और इसीलिए कभी कभी कोई बच्चा एकदम हेल्दी जन्म लेता है तो कोई फिजिकली डिसेबल जन्म लेता है। कभी कभी हम इमोशनली डिसेबल भी होते हैं, सोचने की आदत नहीं। इमोशनली डिसेबल माना क्या? शांति का अनुभव नहीं कर सकता मैं, सुख का अनुभव नहीं कर सकता मैं। हाँ, बहुत लोग मेरी प्रेज कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे भी आत्माएं देखी है, बहुत सारे लोग देखे है ऐसे कि जिनको प्रेज भी करो ना तो उसमें भी वो निगेटिव कुछ ना भी निकाल देंगे, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो ये भी मेरे पिछले कुछ कर्मों का हिसाब किताब मैं अपने नेक्स्ट बर्थ में कैरी करता हूँ। फिर हम अपनी फैमिली कैसे चूज करते हैं? जैसे अगर मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, लोगों से अच्छा व्यवहार किया है, तो उसका कर्म का हिसाब भी कैसा होगा ना? उसके कर्म का हिसाब भी तो पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर मेरा आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है तो आगे भी अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो अच्छा ही रिश्ता कैरी करेंगे। जैसे आप सोचो, जस्ट एन एग्जांपल, कल आपके पास घर में कोई गेस्ट आए, आपके कोई रिलेटिव्स आए, और आपके जो भी पार्टी थी ना उसके अंत में थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया किसी के साथ, उनके साथ आपका झगड़ा हो गया, तो नाउ दिस पार्टी एंडेड विथ व्हाट वाइब्रेशंस? निगेटिव वाइब्रेशंस, ठीक है ना? तो निगेटिव वाइब्रेशन के साथ एंड हो गई। अभी आप उनसे बात करना बंद कर देते कुछ दिनों के बाद, लेकिन एक साल के बाद, दो साल के बाद आप उनसे मिलते हैं, तो अभी भी जब उनको देखेंगे, उनको मिलेंगे, कौन सी एनर्जी पहले क्रिएट होगी? मुझे मालूम है पिछले टाइम इन्होंने क्या किया था, मालूम है मुझे, इस टाइम भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए दूर रहो उनसे। तो जिस नोट पे पिछली मीटिंग एंड हुई है उसी नोट से अगली वाली मीटिंग शुरू हो जाती है,
वैसे ही जिस नोट पे मेरा पिछला वाला शरीर छूटा है, उसी नोट से अगला वाला शरीर शुरू हो जाता है। और इसलिए कहते हैं अंतमति स्वगति, क्या सोचता हूं मैं अंत में, उससे मेरी गति डायरेक्शन मिलती है। कौन सी डायरेक्शन चाहिए, सदगति चाहिए दुर्गति चाहिए, मेरी चॉइस है। अगर लोगों के साथ मैंने, जैसे देखो ये सीरिया वगैरह जो कंट्रीज है या फिर वॉर कंट्रीज है, वॉर जोन्स है, वहां पर भी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वहां पे तो बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो आंख खोलता है तो क्या देखता है, कहीं पर डिवोर्स हो रहा है, कहीं पर बॉम्ब गिर रहे हैं, कहीं पर किसी को कोई मार रहा है। तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ने से पहले ऐसे कर्म किए थे, जैसे हम बहुत बार देखते हैं ना, ये न्यूज आती है कि एक ने 10 लोगों को मार दिया, या टेररिस्ट अटैक होते हैं। अभी वो आत्मा, वो भी तो आत्मा ही है ना, अपने आप को भूल चुकी है वो, ठीक है, लेकिन है तो परमात्मा का बच्चा ही वो भी। लेकिन उस आत्मा को में संस्कार क्या है, मारने के, मरने के, वॉर के, तो वो उस घराने में जन्म लेगा, वो उस धरनी पर जन्म लेगा जहां पे ये सब चीजें चल रही है। जैसा कर्म वैसा फल। किसी में संस्कार है पूजा पाठ के, किसी में संस्कार है शांत रहने के, किसी में संस्कार है सबके साथ प्यार से बात करने के, तो वो उस घराने में जन्म लेगा जहां पे बहुत प्यार है, एक दूसरे के साथ बहुत जॉइंट फैमिली है, लेकिन बहुत प्यार से रहते हैं, घर में बहुत संस्कारी वातावरण है। तो ये मेरा चॉइस है, नॉट ओनली फॉर दिस बर्थ, लेकिन अगले बर्थ के लिए भी कौन सी फैमिली चाहिए, कौन सा घर चाहिए। हमारे पास एक भाई आता है, वो बेचारा, उसको पता नहीं शायद कुछ अनुभव गलत आए हैं भारत में, तो वो हमेशा बोलता है कि मेरी इच्छा है मुझे स्विट्जरलैंड में जन्म चाहिए। लेकिन इच्छा से नहीं होता है, इच्छा से नहीं होता है, इच्छा होती तो हर कोई बोलता है मुझे बिल गेट का बच्चा बनना है, अभी उसी को सब बच्चे होंगे क्या, नहीं, इच्छा से नहीं होता है, कहां से होता है, कर्मों के ऊपर होता है। तो अगर अच्छा कर्म करेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिलने के लिए, अच्छा शरीर मिलने के लिए। फिर ऐसा भी होता है ना, बहुत बार रास्ते पे कोई मिलता है तो कोई पसंद आता है और कोई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा क्लास, थोड़ा ही बचा है, तो आज का और कल का क्लास थोड़ा 1 घंटे के ऊपर थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो देखो कोई पसंद आता है कोई नहीं पसंद आता है, तो देखो कैसे है ये चीज भी चलती है। जैसे मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में मुझे धोखा मिलता है, मेरा पार्टनर है तो मुझे उससे धोखा मिलता है, तो मैं आत्मा अंदर रिकॉर्डिंग करता हूँ कि इस आत्मा ने मुझे धोखा दिया, रिकॉर्ड किया। अभी जब भी वो आत्मा सामने आएगी तो वो ट्रिगर हो जाता है रिकॉर्डिंग, और इमीडिएटली आता है मुझे इससे दूर रहना है, इसने मुझे धोखा दिया है, अभी ये रिकॉर्डिंग मेरे अंदर पक्का हो गया है, ठीक है। अभी उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, मैंने शरीर छोड़ा, मेरा कॉस्ट्यूम बदला, मेरा शरीर बदला, उसका कॉस्ट्यूम माने उसका भी शरीर बदला, और अभी कुछ अगले जन्म में हम फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं, शरीर बदला है, रिकॉर्डिंग नहीं बदला ना, रिकॉर्डिंग तो मैंने कैरी कर दिया, और इसीलिए पता नहीं, हमें लगता है इमीडिएटली उस आत्मा को, उसको जानते नहीं क्योंकि शरीर तो बदल चुका है, तो जब भी वो आत्मा सामने आती है उस शरीर में, और हम इमीडिएटली वो ट्रिगर हो जाता है फिर से रिकॉर्डिंग, और हमें लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी शक्ल में देखता हूं ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, इसकी शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शक्ल नहीं, कहीं ना कहीं अकाउंट है, कुछ ना कुछ अकाउंट है हम दोनों के बीच में, और इसलिए वो रिकॉर्डिंग है अंदर, और इसीलिए कभी कभी कोई बिल्कुल एकदम पसंद आता है तो कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो क्या करें, हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं, एक है सुकर्म पॉजिटिव एक्शन, विकर्म नेगेटिव एक्शन, और अकर्म रहता है न्यूट्रल एक्शन। तो पॉजिटिव एक्शन इज दैट यू ऑल नो, शांति से किसी से बात करना, सब सबके बारे में भला सोचना, दैट्स अ पॉजिटिव एक्शन। नेगेटिव एक्शन इट वेरीज, न्यूट्रल एक्शन होता है अकर्म, माना मुझे सब्जी लाने जाना है, मुझे नहाना है, ये दीज आर न्यूट्रल एक्शंस, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट, उनका अफेक्ट, उनका अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन विकर्म की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे मुझे सिगरेट स्मोकिंग की आदत है और मैं सिगरेट पीता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो इवन इफ यू टेल मी कि अगर आप मुझे बताए कि अरे ये विकर्म है, निगेटिव एक्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू अग्री विथ यू। और इसीलिए परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बताता है सुकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये बेस्ट चाहिए ना हमें, ऐसा तो नहीं मेरे लिए सुकर्म है आपके लिए वो विकर्म है, नहीं,
दैट कैन नॉट बी द केस. तो हमें सुकर्म क्या और विकर्म क्या उसके बारे में थोड़ा सोचना है. उसके बारे में जो डेफिनेशन में भगवान बताता है वो हम जानते हैं. तो देखो, किसी शेर ने किसी को मार दिया, शेर को अटक करेंगे, जेल में डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि मारना और खाना उसका सर्वाइवल है ना वो. लेकिन किसी मनुष्य ने किसी को मारा और खाया तो, किसी मनुष्य को मारा और खाया तो उसको इमिजिएटली जेल में डालेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट माई हैबिट, दैट्स नॉट माई नेचर. तो जब मैं आत्मा अपने नेचर से अलग होके कोई कर्म करता हूं तो वो विकर्म होता है और उसकी सजा भोगनी पड़ती है. जब मैं आत्मा अपने नेचर में रह के, अपने स्वभाव में रह के कोई कर्म करता हूं तो उसको पॉजिटिव एक्शन कहते हैं. अभी आपने सुना है पहले ही सेशन में, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं. तो आत्मा का नेचर क्या है? शांति है, सुख है, प्रेम है, पवित्रता है. ये मेरा नेचर है. जब मैं अपने को आत्मा समझकर इन गुणों को प्रैक्टिस में लाकर फिर एक्शन करता हूं, उसको कहते हैं सुकर्म. और जब मैं अपने को शरीर, जो मैं नहीं हूं, वो समझकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके वश में आके कोई कर्म करता हूं, वो हो जाता है निगेटिव एक्शन. तो आज तक हमने जो भी कर्म किए, कौन से कॉन्शियसनेस में किए, खुद को क्या समझ के किए? खुद को देह समझ के किए, और इसीलिए निगेटिव एक्शंस बनते गए. और हमें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बन रहा है. तो आत्म अभिमानी स्थिति में किया हुआ कर्म, सोल कॉन्शियस स्टेट में किया हुआ कर्म पुण्य कर्म हो जाता है. मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको प्रैक्टिस में लाना, वो है पुण्य कर्म. माना क्या, मैं शांत स्वरूप हूं, तो मेरे हर कर्म में क्या दिखना चाहिए? शांति दिखनी चाहिए. लेकिन मैं देह समझता हूं खुद को, फिर देह को देखता हूं, अरे इसने मुझे झूठ बोला ना, अभी मुझे गुस्सा करना है, वो पाप कर्म हो जाता है. दूसरे क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट इन आर हैंड्स. मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कौन सा कर्म करना है, ये मेरा चॉइस है. पुण्य कर्म करना है, सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास, खुद को आत्मा समझकर कर्म करना है. नहीं तो कौन से खाते में चला जाएगा? बैलेंस शीट है ये हमारी, पॉजिटिव. खाते में क्या रहता है, जमा रहता है या घाटा रहता है? जमा का खाता क्या है? जो सोल कॉन्शियस द्वारा किया हुआ कर्म है वो जमा में जाएगा, दूसरों की दुआ मिलेगी ना उसमें. और जो बॉडी कॉन्शियस में किया हुआ कर्म है वो घाटे में जाता है, क्योंकि वहां पे ईर्ष्या है, वहां पे जेलसी है, वहां पर क्रोध है, वहां पर अटैचमेंट है. अटैचमेंट भी तो वो दुख देती है ना. तो एक लिटमस टेस्ट है, जो भी कर्म से मुझे दुख होता है या मेरी वजह से किसी को दुख होता है, वो आता है सिंफुल एक्शन में, पाप कर्म में. किसी भी कर्म से मैं खुद खुश हूं और मेरी वजह से अनेक लोग दुआ भी दे रहे हैं, वो हो जाता है पुण्य कर्म. तो दुआ जमा करने का ये सीजन है, अभी सिर्फ मेरी चॉइस है दुआ जमा करनी है या नहीं. और दुआ जमा करने के लिए एक ही चीज, मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को जानना है, और वो उसको फिर कर्म में लाना है. तो कर्म के अकाउंट से मुक्त कैसे हो? बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि मेरे जीवन में अचानक एक परिस्थिति आ जाती है, अभी ज्ञान मिला, जो भी परिस्थिति आई है मेरे जीवन में या जो भी व्यक्ति है मेरे जीवन में, उसको मैंने कभी ना कभी मेरे साथ, मैंने उसको साथ कुछ किया था और इसीलिए वो मेरे जीवन में है. हाँ, परिस्थिति भी अचानक आ जाती है, उससे भी समझ में आता है, अरे ये एनर्जी मैंने फेंकी थी बाहर, वो किसी न किसी स्वरूप में मेरे पास आ रही है. तो मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मैंने ही कभी ना कभी किया था, मे बी इन दिस बर्थ और फिर नहीं तो पिछले किसी बर्थ में. वो हम नहीं सोच समझ सकते कौन से बर्थ में, लेकिन एक्सेप्ट करे कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैंने ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया था. बहुत लोगों को इसी में प्रॉब्लम आ जाता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, हम सिर्फ इस बर्थ को देख रहे हैं, ये देहभान है. लेकिन हमें क्या देखना है, अरे मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, अभी इस शरीर में हूं, लेकिन पहले तो किसी और शरीर में था, उस वक्त कोई कर्म किए थे, उस वक्त कोई एनर्जी बाहर फेंकी थी, अभी यूनिवर्स उस एनर्जी से रिस्पॉन्ड कर रहा है. एक्सेप्टेड, क्योंकि जब एक्सेप्ट करते हैं तो मन के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं.
हम एक्सेप्ट जब नहीं करते ना, तो उसी में मन हलचल में आ जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ देखो, फिर उसमें कंपैरिजन हो जाता है। तो जितना निगेटिव एनर्जी और क्रिएट करते जाएंगे, बाहर निगेटिव, अंदर क्या आएगा वापस, सेम थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मैंने कभी ना कभी किया था। तो जैसे एक व्यक्ति मेरे सामने आता है और पता नहीं मुझे कौन है वो, लेकिन एकदम से जोर जोर से मुझसे बात करना शुरू कर देता है। नाउ आई हैव द चॉइस, आई हैव दिस नॉलेज, मेरे पास नॉलेज आ गई है कर्मों की गुह्य गति की, कि ये मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने ही कभी ना कभी उसके साथ ऐसा किया था। अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, आई हैव द चॉइस। एक चॉइस है, उसने मेरे साथ गुस्से से बात की, मैंने उसके साथ गुस्से से बात की, अकाउंट और बढ़ गया। या फिर मेरे पास चॉइस है, उसने मेरे साथ गुस्से से बात की बिकॉज मैंने ही ये खाता कभी ना कभी वो किया था, मैंने उसको वो एनर्जी भेजी थी, इसीलिए वो मेरे जीवन में आया है। अभी आई हैव द चॉइस, क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या इसको यहीं पे खत्म करना है। और यहीं पर खत्म करना चाहते हो तो अभी संकल्प करो कि ये कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी मुझे शांत रहना है और उसको भी शांति देनी है। अकाउंट क्लोज्ड, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, भाग्य बन गया। वेरी इजी, प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो हर वक्त हमारे पास चॉइस है, जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं हमारे जीवन में, जो भी वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, चाहे धोखा दे रहे हैं, चाहे गलत व्यवहार, जो भी है, इट इज बिकॉज आई हैव सेंट आउट दैट एनर्जी इन द पास्ट बर्थ, मे बी पास्ट दिस बर्थ और पिछले वाले, और इसीलिए वो वापस आ रहा है। और उसी को अभी अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज करना माना उससे कर्जा लिया था, कर्जे को चुक तो करो। जिस आत्मा के ऊपर के ऊपर से कर्जा निकल जाता है, उसकी शक्ल कैसे रहती है, वो बहुत खुश रहता है। तो हर सिचुएशन में चॉइस लेनी है, पहले एक्सेप्ट करो ये मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, चाहे शरीर से है, चाहे व्यक्तियों से है, चाहे परिस्थितियों से है, और देन यू टेक अ चॉइस, अच्छा अभी क्या करना है, लेट मी थिंक फॉर माय फ्यूचर, और उसमें आ जाता है फिर परमात्मा। तो परमात्मा का रोल सबसे पहले इंपॉर्टेंट, परमात्मा कभी भी हमारे कर्मों में दखल नहीं देता है, क्योंकि अगर वो कर्मों में दखल देगा तो उसका अकाउंट बनता है, वो लॉ तो उसके ऊपर भी एक्ट करेगा ना, उसको लॉ इज लॉ, लॉ तो हर एक के ऊपर एक्ट करता है, तो परमात्मा के ऊपर भी लॉ एक्ट करता है। और जो अगर परमात्मा कर्म करे तो परमात्मा भी उस कर्म के फल में अटक जाएगा, और जो खुद अटका है वो दूसरों को कैसे छोड़ेगा। और इसीलिए परमात्मा कभी भी हमारे कर्मों में दखल नहीं देता है, वो हमें सिर्फ ज्ञान देता है कौन सा राइट कर्म है, कौन सा रॉन्ग कर्म है, और राइट कर्म पर चलने के लिए हमें शक्ति देता है। तो इसीलिए मेडिटेशन में परमात्मा को याद क्यों करना, चलो किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, चलो आई अग्री, मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था ना किसी ने किसी जन्म में, इसलिए वो आत्मा अभी सूत समेत वापस करने के लिए आई है, चलो ठीक है आई अग्री, लेकिन अभी मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो मुझे भगवान को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, उससे शक्ति लेनी है, ताकि मैं और अच्छा कर्म उस आत्मा के साथ कर सकूं, ताकि फिर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड ना करूं। और परमात्मा का रोल यही है, एक तो हमें कर्मों के बारे में ज्ञान देता है, और दूसरा उसको धारण करने के लिए शक्ति देता है। तो आपने शायद ये शब्द सुना होगा, नहीं मालूम नहीं, ये जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो परमात्मा इस वक्त सृष्टि पर आ चुका है और हमें ये ज्ञान दे रहा है, और ये ज्ञान जो हमें मिलता है ना उसको कहते हैं मुरली। तो ये मुरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा और भी कहेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन मुरली में हम कर्म अच्छे कैसे करें इसके बारे में रोज थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान देते हैं। तो जब हम मुरली सुनते हैं, जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तब हमें कर्मों के बारे में और गहराई में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छा कर्म करने की ताकत मिलती है। क्या सभी अच्छा कर्म करना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ सभी चाहेंगे ना, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जीवन में, और वो क्यों हो रही है वो तो उसका आंसर हमें मालूम पड़ा। अभी कभी शरीर खराब हो जाता है, अभी देखो कोरोना की परिस्थिति आ चुकी है, बाहर नहीं जा सकते, डर है मन में, तो डर भी निगेटिव एनर्जी है, जितना निगेटिव बाहर फेंकेंगे तो डर और बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी इस दुनिया में अभी चल रहा है, मेरे जीवन में चल रहा है, आई एक्सेप्ट इट,
क्योंकि कभी ना कभी वो मैंने एनर्जी दी थी। अभी क्या करें, अभी परमात्मा से कनेक्ट करें, उससे शक्ति ले, जिनको भी मैंने कभी कुछ गलत किया है कहा है उनको माफ कर दे, तो मैं उस अकाउंट से मुक्त हो जाऊं। तो करेंगे सभी ना, अकाउंट से मुक्त होंगे सभी, तो उसके लिए हमें भगवान को याद करना, शिव बाबा को याद करना है। तो इसके लिए अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम सेशन को विराम देते हैं। सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे मेडिटेशन के लिए। कुछ क्षण के लिए बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हैं और सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं। कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दुख दिया, या कभी मैं सोचता हूं कि उन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन इस सारी प्रोसेस में कर्मों का खाता बन चुका है। तो आज मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर इन सब खातों को चुकतू करता हूं। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमक रहा हूं, शक्तियों का सागर परमपिता परमात्मा परमधाम से शक्तियों की लाल किरणें मुझ पे बरसा रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर हूं। अब इन किरणों को सबसे पहले मैं उन आत्माओं को देता हूं जिनको मैंने कभी न कभी दुख दिया। परमात्मा मेरे द्वारा उन आत्माओं में भी शक्ति भर रहा है। उन सब आत्माओं को सामने इमर्ज करके मैं दिल से उनसे क्षमा चाहता हूं। वो आत्माएं भी परमात्म शक्ति मिलने के कारण मुझे इस अकाउंट से मुक्त कर रही है, क्षमा कर रही है। दूसरी तरफ वो आत्माएं हैं जो मुझे लगता है इन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन अभी मुझे ज्ञान है कि मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। उनको जो करना था उन्होंने किया, लेकिन उनके कर्मों को देख मैंने दुख लिया। तो सबसे पहले मैं अपने को क्षमा करता हूं। और फिर उन आत्माओं को भी इस अकाउंट से मुक्त करता हूं। कोई भी ऐसी व्यक्ति है
जिसको मैंने अंदर पकड़ के रखा है। कोई भी ऐसी बात है जो मैं भूलने के लिए तैयार ही नहीं हूं। आज यही मौका है, मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। उस बात से, उस व्यक्ति से मुक्त। मैं हल्का हूं, मैं फ्री हूं। मैं मुक्त हूं। अब परमात्मा मुझ में अनंत शक्तियां भर रहा है। मुझे आगे के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अब तैयार हूं, शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हमारी हर सोच हमारा भाग्य लिखती है। जो हम करते हैं वो है कर्म। हमारी सोच भी एक कर्म है। जो रिजल्ट हमें मिलता है वो है भाग्य या कर्मफल। हम कर्मों के खाते एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर जाते हैं। हमारा हर जन्म मनुष्य जन्म ही है। हम 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। खुद को आत्मा समझ किया हुआ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। परमात्मा हमारे कर्मों के खाते में दखल नहीं देता है। शिव बाबा हमें सिर्फ ज्ञान देता है और अच्छे कर्म करने के लिए शक्ति देता है।